बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी पर सदन में अभद्रता का बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है। राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप लगाया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। सदन में उनके ऊपर ये गंभीर आरोप स्पीकर से मिली है बीजेपी की महिला सांसद और शिकायत अपनी दी है। महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखकर आपको बता दें कि शिकायत की है। सदन में अनुचित व्यवहार के खिलाफ शिकायत की गई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो ये मांग उठाई गई है और हमने स्पीकर को शिकायत की है। शोभा करंजले ने कहा सभी महिला सांसदों ने कार्रवाई की मांग उठाई है इस मामले में, ऐसा आचरण पहले कभी नहीं देखा गया ये भी उन्होंने कहा है। सदन से जाते वक्त अभद्र आचरण किया राहुल गांधी ने, स्मृति ईरानी बोली राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया है। बड़ा ही गंभीर आरोप दरअसल राहुल गांधी पर लगाया गया है। आज आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है और आज चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन जब अपना भाषण खत्म किया उन्होंने, संसद से बाहर निकल रहे थे, इस दौरान उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया है। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी बाय गिविंग प्लेन किस टू अस स्मृति ईरानी जी ऑल वुमेन मेंबर्स ही वेंट अवे, दिस इज टोटली मिसबिहेवियर ऑफ ए मेंबर। जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था तमाम सांसदों की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जबरदस्त तरीके से पक्ष और विपक्ष में आज बहस देखने के लिए मिली।